दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी एक स्टेज है जिस पे हम सब अदाकार हैं। कुछ वक्त के लिए हम इस स्टेज पर अपना किरदार निभाते हैं, फिर इसके बाद मंजर से हट जाते हैं। देखने वाले हमें कुछ अरसे तक याद रखते हैं, बाद में वो भी हमें भूल जाते हैं। ये अल्फाज शेक्सपियर के हैं, जिसको इंग्लैंड का कौमी शायर और बाबाए इंग्लिश भी कहा जाता है। जैसे उर्दू शायरी में मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल को हमेशा याद रखा जाएगा, वैसे अंग्रेजी अदब में शेक्सपियर को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने शेक्सपियर की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प पहलू रखेंगे, जिनको जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों शेक्सपियर का पूरा नाम विलियम शेक्सपियर था। वो इंग्लैंड में लंदन के करीबी गाँव स्ट्रैटफर्ड में 26 अप्रैल 1564 को पैदा हुआ। उसके वालिद एक छोटे से सरकारी मुलाजिम थे, जो पुराने ख्यालात के रवायती इंसान थे और गांव के अफराद में नुमाया हैसियत रखते थे। सरकारी मुलाजिम होने की वजह से शेक्सपियर के वालिद के तमाम बच्चों की तालीमी खराजात गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। इस तरह शेक्सपियर को स्ट्रैटफर्ड के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसका रुझान तारीख की तरफ था और वो स्टेज ड्रामों और थिएटर में भी दिलचस्पी रखता था। यूनानी और रोमन तारीख उन दिनों निसाबी कुतुब का हिस्सा थी, जिसे शेक्सपियर पढ़ता रहा। वो तारीखी वाकयात को नज़मों और ड्रामों की सूरत में लिखना चाहता था और इन ड्रामों को थिएटर में पेश करना चाहता था। शेक्सपियर की शादी 18 साल की उम्र में हुई। उसकी बीवी का नाम एना हैथवे था। शेक्सपियर के यहाँ दो बेटियाँ और एक बेटा पैदा हुआ। सबसे पहले एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम सुजीना रखा गया। सुजीना के बाद दो जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बेटी थी और एक बेटा, लेकिन उनका बेटा बचपन में ही वफात पा गया। इस तरह शेक्सपियर की सिर्फ दो बेटियां ही बाकी रह सकीं। 1879 में शेक्सपियर की उम्र जब 25 साल थी, तो वो स्ट्रैटफर्ड से निकलकर लंदन आ गए और वहां आकर ड्रामे लिखना शुरू कर दिए और उनको स्टेज पर पेश करना शुरू कर दिया। शेक्सपियर के ड्रामे और नज़में इतनी मौसर थीं कि वो न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हुई। तकरीबन हर जुबान के अंदर शेक्सपियर की नज़मों और ड्रामों को तर्जुमा किया गया। आज जहां भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाता है, वहां शेक्सपियर के ड्रामे और नज़में ज़रूर पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि शेक्सपियर के बगैर अंग्रेजी जुबान नामुकम्मल है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी में 1700 नए अल्फाज भी मुतारिफ करवाए। सिक्योर, ब्लैंकेट, एल्बो, लोनली वगैरह, ये वो चंद अल्फाज हैं जो अंग्रेजी जबान में शेक्सपियर ने मुतारिफ करवाए। कहा जाता है कि बाइबल के बाद गैर मुसलमानों में शेक्सपियर के ड्रामों और नज़मों को बहुत अहमियत हासिल है। उन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा और नज़में लिखी। उन्होंने तीन तरह के ड्रामे लिखे, ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल। इनके ड्रामों में रोमियो एंड जूलियट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स और हैमलेट सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ये वो ड्रामे हैं जिनको हमेशा पढ़ा जाता रहेगा और हर दौर में ये मकबूल तरीन ड्रामे रहेंगे। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल भी शेक्सपियर की शायरी से मुतासिर थे और अपनी नसरी किताबों में बहुत सी जगह पर उन्होंने शेक्सपियर के बारे में अपनी राय का इजहार किया। अपनी वफात से कबल वो अपने आबाई गांव स्ट्रैटफोर्ड वापस चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। उनकी वफात सन 1616 को स्ट्रैटफोर्ड में ही हुई, लेकिन उनको लंदन में दफनाया गया। उनकी कब्र लंदन में एक दरिया के किनारे मौजूद है। उनका सबसे बड़ा नॉवल हैमलेट है, जिसको बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 38 ड्रामे और 154 नज़में लिखीं। उनकी हर नज़म और हर ड्रामा एक शाहकार है, जो पढ़ने और देखने वालों को आखिर तक अपनी गिरफ्त में लिए रखता है। उनके शायकीन और मद्दा आज भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं। उनकी नज़में और ड्रामे आज भी निसाबी कुतुब के साथ पढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर सी वीडियो शेक्सपियर के बारे में। आपको कैसी लगी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और ऐसी दिलचस्प और मालूमती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।